द एलिफेंट विस्परर्स, ये एक ऐसा नाम है जो आजकल हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अगर हम आपसे कुछ दिनों पहले इसके बारे में पूछते तो शायद आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन साल 2023 के ऑस्कर अवार्ड में द एलिफेंट विस्परर्स ने RRR के नाटू नाटू के जोशीले संगीत और दुनिया भर की तमाम फिल्मों के बीच अपनी एक अलग पहचान कायम की और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी, और आज हम बात करेंगे द एलिफेंट विस्परर्स की कहानी और इसी से सीख लेते हुए भारत सहित दुनिया भर में हाथियों और इंसानों के बीच टकराव और हाथियों की कम होती तादाद के बारे में। दोस्तों, 39 मिनट की द एलिफेंट विस्परर्स इंसानों, जंगल और हाथियों के बीच भावनात्मक बंधन को बड़े ही सलीके से दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जिन हाथियों को हम जंगली जानवर समझते हैं, असल में वो हम इंसानों की तरह से ही हैं। बस अगर उन्हें जरूरत है तो प्यार और उनके जंगल की। द एलिफेंट विस्परर्स को मुदुमराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के थेपाकडू एलिफेंट कैंप में शूट किया गया है। यह एशिया के सबसे पुराने एलिफेंट कैंपों में से एक है, जो कि लगभग 140 साल पुराना है, और ये एशियाई हाथियों के लिए सबसे बड़ा जंगली क्षेत्र भी है। यहाँ पर हाथियों की देखभाल करने वालों को काटुनायकन यानी जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, आज हम भले ही द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिलने पर खुशी से फूले ना समा रहे हों और तालियां पीट रहे हों, पर असल में इंसानों और हाथियों का, या यूं कह ले कि जंगल के बीच का रिश्ता बद से बदतर ही होता जा रहा है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हाथियों का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य देवता कहे जाने वाले गणेश भगवान का स्वरूप भी हाथी का ही है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि यह महत्व केवल धार्मिक और पौराणिक कहानियों या बातों तक ही सिमट कर रह गया है। तेजी से होते शिकार या फिर जंगलों पर हो रहे अतिक्रमण की वजह से आज हाथियों और इंसानों के बीच टकराव बेहद आम बात है। इंसानों और हाथियों के बीच टकराव की वानगी दुखी और हैरान कर देने से ज्यादा डराने वाली है। News18 की एक रिपोर्ट की माने तो 1980 के दशक तक एशिया में लगभग 93 लाख हाथी थे, लेकिन अब केवल 50,000 ही बचे हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 27,312 हाथी हैं, जो कि दुनिया में हाथियों की आबादी का लगभग 55% हिस्सा है। मतलब साफ है कि भारत में हाथियों की आबादी काफ़ी तेजी से कम हो रही है। आइए अब ये जान लेते हैं कि भारत में हाथियों की आबादी के कम होने और इंसानों के साथ टकराव की आखिर वजहें क्या हैं। इन वजहों को हम द एलिफेंट विस्परर्स के ही कुछ संवादों से समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां पर हाथियों को पालने वाली बिल्ली कहती हैं कि हम जंगल में नंगे पैर चलते हैं और ये हमारा इसको सम्मान दिखाने का तरीका है। हमारा गुजारा जंगल से ही होता है और हम इसकी सुरक्षा भी करते हैं। हम इससे उतना ही लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है। इस संवाद से समझा जा सकता है कि पिछले कई सालों से कम होते जंगल और वहाँ पर हो रहे अतिक्रमण की वजह से इंसानों और हाथियों के बीच टकराव बढ़ा है। फिल्म में बमन जिस हाथी के बच्चे रघु को पालते हैं, उसकी माँ की मौत बिजली के झटके की वजह से हुई होती है। न्यूज़ 18 हिंदी की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 वर्षों में अकेले बिजली के झटके से भारत में लगभग 482 हाथियों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। वहीं हाथियों की घटती आबादी के पीछे एक बड़ी वजह उनके आवासीय क्षेत्र का लगातार सिकुड़ना भी है, साथ ही उनके दांतों के लिए भी हाथियों के शिकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाथियों के प्राकृतिक आवासों के बीच रेलवे लाइनों का जाल भी तेजी से बिछाया जा रहा है, जिस वजह से भी आए दिन ट्रेन से टकराकर हाथियों के मरने की खबरें सामने आती रहती हैं। बता दें कि तेजी से बदलती जलवायु भी हाथियों के लिए खतरा बनी है। द एलिफेंट विस्परर्स में दिखाया गया है कि तेजी से बढ़ती गर्मी की वजह से जंगली क्षेत्र सूख रहे हैं, जिस वजह से हाथी खाने और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाथी के बच्चे अपने झुंड से अलग हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई हाथी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो जाता है तो फिर उसका बचना बेहद ही मुश्किल होता है। फिल्म में एक जगह हाथियों को पालने वाले बमन कहते हैं कि हाथी बहुत बुद्धिमान और भावुक प्राणी होते हैं। हाथियों की हर बात इंसानों की तरह ही है, सिवाय इसके कि ये बात नहीं कर सकते। हमारे लिए भगवान और हाथी एक ही हैं।
इसी तरह फिल्म में एक और सीन है जहाँ पर बिली अपनी पोती को कहानी सुनाती है कि एक बार तीन अंधे जंगल गए और उन्हें एक हाथी मिला। उनमें से एक ने उसकी सूंड को छुआ और कहा कि ये तो नागिन की तरह लग रहा है, दूसरे ने कान को छुआ और कहा ये तो छलनी की तरह लग रहा है, और तीसरे ने पूंछ को छुआ और कहा कि ये झाड़ू की तरह लग रहा है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि हाथी खतरनाक होते हैं और उनकी फसलों को खराब करते हैं, लेकिन हाथियों के साथ रहने वाले जानते हैं कि हाथी कैसे होते हैं। अगर आप उनको प्यार करते हैं तो वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। फिल्म के आखिर में बमन कहते हैं कि अक्सर हम इंसानों की हरकतों की वजह से आजकल हाथी गांव में चले आते हैं। हमारी गलतियां बहुत खतरनाक हैं, हमारे लिए भी और हाथियों के लिए भी। इन संवादों और सीन्स से समझा जा सकता है कि हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की आखिर वजहें क्या हैं। फिल्म में बमन कहते हैं कि रघु और अम्मू को तो हमने बचा लिया, लेकिन हम हर एक को नहीं बचा सकते। यानी कि भारत में तेजी से कम होते हाथियों की संख्या के साथ हाथियों और इंसानों के बीच टकराव को रोकने के लिए हम सभी का एलिफेंट विस्परर होना ज़रूरी है। दोस्तों, इस तरह की और भी जानकारियों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। इसके अलावा आप हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं।